हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पीडीएफ के पासवर्ड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे वर्क करते हैं तो कुछ पीडीएफ में पासवर्ड लगा होता है, उसी को रिमूव कराने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर से आप पीडीएफ के पासवर्ड को कैसे रिमूव कर सकते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर, और उसके बाद सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल के अंदर भी आप पीडीएफ के पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट कंप्यूटर पर और बताऊंगा कि पासवर्ड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद मैं फर्स्ट में पीडीएफ को ओपन करता हूं, और जैसे ही मैंने पीडीएफ ओपन किया तो इसने मांगा है पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है और ये ओपन हो गई है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा देखा तो दोबारा भी ये पासवर्ड मांग रहा है। ऐसे हमारी कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पॉलिसी वगैरह होती हैं, उनको हमको पासवर्ड डाल डाल के हम प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी ट्रिक जिससे इसके पासवर्ड हो जाएंगे रिमूव। तो फ्रेंड्स, आपको राइट क्लिक करना है और ओपन जाना है क्रोम में। इस पीडीएफ को ओपन कर लेना है क्रोम में, और जैसे ही क्रोम में ओपन करने के बाद हमें पासवर्ड टाइप कर देना है। और एक बार जैसे ही हमने पासवर्ड टाइप किया तो ये फ्रेंड्स ओपन हो गई पीडीएफ, और पीडीएफ ओपन होने के बाद हमें इसको यहाँ से प्रिंट कर देना है। जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे और इसमें ये आ जाएगा सेव एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ पे जाके इसको सेव कर देंगे, और डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे बिल्स के नाम से। फ्रेंड्स, ये तो था बिल, और मैंने इसको जैसे ही इसको इधर सेव कर दिया और उसके बाद हमने जस्ट इसको ओपन किया तो आप देख लो इसमें कोई भी पासवर्ड यह नहीं मांग रहा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? फ्रेंड्स, कितना आसान है किसी भी पासवर्ड को रिमूव करना। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से कि आप पासवर्ड रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि मोबाइल से आप पीडीएफ के पासवर्ड कैसे रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इस समय अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे आने के बाद मैं फर्स्ट पीडीएफ को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको आप अगर चाहो तो WPS एप्लीकेशन है तो उसमें भी ओपन कर सकते हैं, या पीडीएफ व्यूवर है तो आप उसमें भी ओपन कर सकते हैं। मैं पीडीएफ व्यूवर में ओपन करता हूँ क्योंकि यह सभी के मोबाइल में होता है। तो हम इसमें पासवर्ड डाल देंगे, और पासवर्ड डालने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद इसमें सेव ए पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, उसी पे हम क्लिक करके इसको सेव ए पीडीएफ में सेव कर देंगे। फ्रेंड, जैसा कि दिख रहा है ये मेरा सेव होगा किस नाम से, तो उसका नाम मैं डाल देता हूँ बिल्स। और जैसे ही मैंने इसका नाम डाल दिया और ये मेरे पास आ गया डाउनलोड्स बॉक्स में। फ्रेंड्स, इसको मैंने ओपन किया और ये बिना पीडीएफ के, बिना पासवर्ड के अब ओपन हो रहा है पीडीएफ। तो फ्रेंड्स, अब अपना आधार कार्ड भी आप ऐसे ही डाउनलोड करके उसका पासवर्ड हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, आधार कार्ड डाउनलोड करने के बाद वो पासवर्ड हर बार ओपन करने के लिए पीडीएफ मांगता है, तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही उसका पासवर्ड भी हटा सकते हैं।